दो जो बड़ी न्यूज़ आई है आज वो ये हैं कि सबसे पहले तो भाई गेबरियल हैसूस का जो मूव है वो फाइनल हो गया टू आर्सनल हेयर वी गो हो चुका है फब डी जी रोमानो की तरफ से तो so, ऐसी और बहुत सारी ट्रांसफर न्यूज़ के लिए देर इज़ ऑलवेज वन फुटबॉल ऐप सो इफ यू नीड टू नो एनी थिंग अबाउट गेबरियल हिजुस ट्रांसफर ऑल अदर रूमर्स रहीम स्टर्लिंग टू चेल्सी फ्रेंकी डियोंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड रॉबर्ट एलेवन डॉस्की टू बार्सिलोना ऑल स्टोरीज ऑल द फैक्ट्स ऑल द लेटेस्ट न्यूज़ आर देयर ऑन द वन फुटबॉल ऐप सो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन मिलो प्लीज़ हेड डाउन देयर एंड डाउनलोड द वन फुटबॉल ऐप नाव तो गेब्रियल हैसूस टू आर्सनल हेर वी गो पर्सनल टर्म्स फुल्ली अग्रीड विद दिस एजेंट मार्सेलो पैथा नीति गेब्रियल साइंस अंटिल ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन इट्स हंड्रेड परसेंट डन आर्सनल ऑलरेडी एग्रीड अ फोर्टी फाइव मिलियन पाउंड फी विद मैन सिटी एज रिवील्ड ऑन फ्राइडे एडू एंड आर्टेटा की फॉर द डील तो ये एक चीज़ है जहाँ पर मतलब चेलसी फैंस बोलेंगे कि यार इस रेस में भी आर्सनल ने हरा दिया चेलसी को और क्यों चेल्सी गेब्रियल जी उसके लिए नहीं गई जब 45 मिलियन का ईवैलेशन था और एक प्रीमियर लीग प्रूवन स्ट्राइकर था और जो लाइन लीड कर सकता था और एक, एक ऐसा स्ट्राइकर जो इसको बैकअप में भी खिला लो तो भी उसको प्रॉब्लम नहीं होगी और प्रीमियर लीग का एक्सपोजर है मैन सिटी के साथ इतने सारे टाइटल्स जीते हैं तो क्यों चेल्सी उसके पीछे नहीं गई मेरे को लगता है कि चेल्सी ने अग्रेसिवली परसू ही नहीं किया चेल्सी की न्यूज़ पे भी हम आ रहे हैं कर, और इसका इससे रिलेशन क्या है पहले मैं आपको सिर्फ़ हेसूस के जो डील है उस पर मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू एक बार मैं बता देता हूँ तो आई थिंक इट्स ब्रिलियंट फ्रॉम आर्सनल्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड कूडोज टू आर्टेटा भाई कूडोज टू आर्टेटा एंड नैडू मतलब मैं अगेन फिर से बोल रहा हूँ मुझे गलत प्रूफ करके दिखाया जिस तरीके की ट्रांसफर विंडो लास्ट ईयर हुई थी जिस जितने अच्छे अच्छे प्लेयर्स आए मतलब उस टाइम लग रहा था कि भाई क्या कर रहे हैं अरे ओडे गार्ड ला रहे हैं फिर थर्टी मिलियन का राम्स डेल ला रहे हैं फिर टॉमी आंसू ला रहे हैं टावर एक मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि एज अ साइनिंग विच इज़ नॉट वर्क और एक जो उन्होंने गैम्बल लिया था कि डेडवुड को क्लियर करके हम निकाल लेंगे चैम्पियंस लीग फुटबॉल जुआ था वो जो ऑलमोस्ट वर्क कर गया था तो उसके लिए मैं ब्लेम नहीं करूँगा हार्ट को क्योंकि यू हैव have... अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड यू नीड टू प्ले विद अब आपको स्क्रूटनाइज करना है उनके अप्रोच को उनकी स्ट्रैटेजी को तो आप बोल सकते हैं कि यार ब्रूनो गिमारिश भी तो थे जिसको हरा दिया न्यू कासल ने आर्सनल को जिसकी रेस में और ब्रूनो गिमारिश तो आर्सनल से ही लिंक था फ्रॉम डे वन हमको ब्रूनो गारिश का तो नाम ही आर्सनल की वजह से पता चला था बहुत लोगों को तो लास्ट सीजन आप कह सकते हो आर्सनल मिस द ट्रिक कि भाई देट डिड नॉट गेट अ मिड समर में या फिर जनवरी में जिसकी वजह से बिल्कुल वो स्टम्बल कर गए बिल्कुल लास्ट में और और थॉमस पार्टे को जब इंजरी तो पता चल गया अभी कितना बड़ा होल है मिडफील्ड में जिसको भरना बहुत ज्यादा मुश्किल है विदाउट अ प्रॉपर प्रॉपर सेंट्रल मिडफील्डर या एक सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर जो कि अब आर्सनल को लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है तो अगर हम स्ट्राइकर्स की बात करें तो ओबाम बार्सिलोना चले गए तो इस सीजन की रिस्पॉसिबिलिटी है एडीएन के है और लाकाजेट पर लाकाजेट भी अब जा रहे हैं लाकाजेट का भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो गया है आर्सनल के साथ तो यहाँ पर एक आउट एंड आउट नंबर नाइन की जरूरत थी एंड गेबरियल हीसूस वॉज दी अवेलेबल ऑप्शन और बहुत ही अच्छा बिजनेस किया है आर्सनल ने एक्स्ट्रा वेकेंट स्पेंडिंग नहीं करी है आई थिंक फोर्टी फाइव मिलियन इज अ फेयर अमाउंट फॉर लाइक अ कैलेबर ऑफ गेब्रियल हीसूस आई डोंट थिंक इज अ स्ट्राइकर हु विल सेट द वर्ल्ड लाइट या फिर हु विल बी देयर अमंग द लाइक्स ऑफ मोहम्मद सला यूमेन सॉन क्रिस्टियानो रोनाल्डो फॉर द गोल्डन बूट रेस ऐसा मुझे नहीं लगता बट ही इज़ एन इफेक्टिव एसिड और ही विल गेट यू फिफ्टीन टू ट्वेंटी गोल्स इन अ सीजन प्रटी ईजीली उनको अगर सही से यूज़ किया जाता है और अगर उनकी स्ट्रेंथ्स पे खेला जाता है आर्ट एटा काम कर चुके हैं गेब्रियल हैसूस के साथ वैन ही वॉज द असिस्टेंट मैनेजर फॉर मैनचेस्टर सिटी अंडर पैब गॉडीओला तो ही इज़ अ फैन ऑफ गेब्रियअल यसूस उनके सामने गेब्रियल यसूस आए थे प्रीमियर लीग में आर्टेटा ने देखा है कि किस तरीके से इवॉल्व हुआ है विद टाइम गेब्रियल यसूस का गेम कितने इम्प्रूवड और एक अच्छे स्ट्राइकर में तब्दील हुए हैं वो अब यहाँ पर एक मौका है खुद येसूस के पास और आर्टेटा के पास कि उनका जो करियर है उसको अब वो नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे जो प्राइम है यहाँ पर वो अब स्टार्ट होता है यसूस के करियर का तो आर्सनल यहाँ पर कुछ स्पेशल कर सकती है नेक्स्ट सीजन डेफिनेटली एज थिंग स्टैंड उनका स्क्वाड काफ़ी अच्छा शेप में है इस समय और एक वो अगर प्रॉपर लेफ्ट बैक और साइन कर लेते हैं आई थिंक टेयरनी टवारी थोड़ा सा दे फॉल शॉर्ट देयर और एक उनको एक सेंटर मिडफील्डर की सख्त से सख्त ज़रूरत है क्योंकि थॉमस पार्टे का आपको बैकअप लाना ही पड़ेगा तो वो अगर वो कुछ जो टारगेट्स जिनसे लिंक्ड है अगर उनको वो लेके आ जाते हैं और रफ़ीनिया की रेस में भी अभी तो आई थिंक वही मतलब काफी यहां पर जो है हम देख सकते हैं कि आर्सनल जो है बढ़िया टीम बना ली है अलॉन्ग साइड टॉटनम हॉट्स पर तो चेल्सी का क्या है सब में तो अब चेल्सी की न्यूज पे आते हैं तो जो बड़ी न्यूज है फ्रॉम चेल्सी स्कैम दैट इज पेटर चेक लीव्स चेल्सी विद इमीजिएट इफेक्ट इट हैज बीन अ ह्यूज प्रिवेज टू परफॉर्म दिस रोल एट चेल्सी फॉर द पास्ट थ्री ईयर्स विद द क्लब अंडर न्यू ओनरशिप आई फील नाउ इज द राइट टाइम फॉर मी टू स्टेप असाइड टॉट बोली रेवोल्यूशन कंटिन्यूज तो यहाँ पर क्या है पेटर चेक को बोला गया कि यार आप रुक जाए और एटलीस्ट जो ट्रांसफ़र विंडो है वो जो ट्रांसफ़र विंडो में ट्रांजिशन होगा नए प्लेयर्स आएंगे कुछ प्लेयर्स जाएंगे तो ये वाला जो टाइम है इसमें आप थोड़ी सी हेल्प कर दें और उसके बाद आप जा सकते हैं बट पैटर चेक ने बोला कि नहीं अभी सही टाइम है जाने का क्योंकि अब नई रिजीम आ गई है और मुझे नहीं लगता है कि मेरा रुकना अब ज़्यादा देर ठीक है तो अभी जो है वो सही टाइम है कि मैं अभी चला जाता हूँ एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो नज़ार कंसेला ने रिपोर्ट किया है वो ये देखिए एक बार आप कि पेटर चैक एंड मरीना ग्रानोस्का ऑल्सो वॉन्टेड टू कीप रोमिलो लुकाकू फॉर अनदर ईयर एट चेल्सी देयर वॉज दैट अर्ली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद टॉट बोली ही वॉन्ट्स द कोच टू बी एट द हार्ट ऑफ ट्रांसफर्स लाइक लिवरपूल टू ट्राई टू अवॉइड दीज मिस्टेक्स ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि टॉट बोली जैसा मैंने पहले भी कहा कि थॉमस टूकल के हाथ में देना चाहते हैं अब कमान ना कि स्पोर्टिंग डायरेक्टर के स्पोर्टिंग डायरेक्टर का सिर्फ काम होगा कि वो मैनेजर्स के जो आइडेंटिफाइड टारगेट्स हैं उनको डिलीवर करे क्लब में उनको क्लब में लेके आए जैसे लिवरपूल में होता है यर्गन क्लॉप की लीडरशिप के अंदर माइकल एडवर्ड्स और बाकी जितने भी सारे इन्वॉल्व लोग हैं वो काम करते हैं और वो प्लेयर्स लेके आते हैं जो यरगन क्लॉप आइडेंटिफाई करते हैं उनके लिए इसीलिए टॉट बोली की तरफ से जो दो लोग कंसिडर किए जा रहे हैं नेक्स्ट स्पोर्टिंग डायरेक्टर ऑफ चेल्सी बनने के लिए वो है माइकल एडवर्ड्स और पॉल मिचल और दोनों का ही रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है जैसा आप जानते हैं माइकल एडवर्ड्स के बारे में तो आप जानते ही हैं कि किस तरीके का काम किया उन्होंने लिवरपूल में यरगन क्लॉप के अंडर पिछले पांच छह सालों में और पॉल मिचल

प्रूवन लोगों को लेके आया जा रहा है जो कि मैनेजर के साथ बैठ के एक कॉमन विजन पे काम करेंगे और जिससे क्लब को फ़ायदा होगा लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं अभी भी कह रहा हूँ चेल्सी फैंस आपको पेशेंस रखना पड़ेगा यहाँ पर ये यह अप्रोच बहुत अच्छी है इसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे लेकिन इसमें टाइम लगेगा अब बात यहाँ पर यह आती है कि एक जो मेरी थ्योरी है कि क्यों थोड़े दिन पहले रोनाल्डो से नाम जुड़ा या क्यों थोड़े दिन पहले नेमार से नाम जुड़ा या अभी भी क्यों नेमार टू चेल्सी की हमको हल्की हल्की भीनी भीनी आवाज़ आ रही है कोने में से वो इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर एक बैलेंस जो है वो फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं टॉट बोली कि टॉमस टूगल को बोल रहे हैं कि ठीक है 90% परसेंट साइनिंग्स तुम्हारे विजन के अकॉर्डिंग होगी तुम्हें नहीं चाहिए कुंडे कुंडे मरीना को चाहिए था ठीक है नहीं आ रहा कुंडे हम तुमको डिलीट लाके देंगे अगर तुमको डिलीट ज़्यादा चाहिए कुंडे से तो लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मार्केटेबिलिटी भी देखनी होगी अब मैंने क्लब को टेक ओवर किया मैं ओनर हूँ तो मैं क्लब की मार्केटेबिलिटी और उसके फाइनेंसिस के हिसाब से भी तो कुछ डिसीजनस लूंगा कि वो क्या चीज़ें होती हैं जो क्लब को बहुत ज़्यादा अपीलिंग बनाएंगी और इन्वेस्टर्स के लिए और मैं पैसा कैसे लेके आ सकता हूँ क्लब में तो उसके लिए थोड़ी सी मुझे ग्लैमरस और ब्लॉकबस्टर साइनिंग्स करनी भी पड़ेगी तो इट्स अ गुड ब्लेंड इट्स अ गुड मिक्सचर अब उसके लिए हम चाहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लेके आते हैं चाहे नेमार को लेके आते हैं विच इज़ अभी फार फेस्ट अभी हम उसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे बहुत ज़्यादा अभी वो अनलाइकली है लेकिन अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो इसमें कोई खराबी नहीं है अगर नाइन्टी चीज़ें मैनेजर के अकॉर्डिंग हो रही है उसमें दस परसेंट इनपुट सिर्फ अपना ओनर डाल रहा है वो भी क्योंकि भाई आपको अट्रैक्टिव बनाना है अपना फुटबॉल क्लब का बेस आपको जो है भाई उसको मेंटेन रखना है तो मान लीजिए अगर आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो या नेमार को लेके आ जाते हैं अपने क्लब में तो भाई फ़ैन बेस फैन फॉलोइंग कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है चेल्सी की वो वाली बात है तो इस तरीके के फाइनेंशियल डिसीजंस भी लेने ज़रूरी हैं क्योंकि फुटबॉल क्लब चलाना एक प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं होता इसकी हमने कई बार डिस्कशन भी कर चुके हैं अलग अलग पॉडकास्ट में बात भी कर चुके हैं तो सारी चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है जो कि अर्ली साइंस आर लुकिंग पॉजिटिव अभी लेट्स नॉट जम्प द गन एकदम से नहीं जाते हैं कि भाई क्या कर लेंगे टॉट बोली तो एक रेवोल्यूशन ही ले आएंगे और सब कुछ हो जाएगा ठीक है अभी एकदम सफाई की जा रही है बेस जो है बिल्कुल सेट किया जा रहा है टॉट बोली अपने हिसाब से बेस सेट कर रहे हैं और जो वो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं क्लब में लेकिन अब आगे की जो रिक्रूटमेंट्स होंगी और आगे कौन से कौन से पर्सनल को लाया जाता है चेल्सी में चाहे वो प्लेयर्स हों चाहे वो स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स हों वो बहुत क्रूशल होने वाला ये जो नेक्स्ट दो महीने हैं एस चेल्सी फैंस भाई गेयर योर सेल्स अब ब्रेस योर सेल्स बहुत कुछ बड़ा होने वाला है देखते हैं या तो कुछ भी नहीं होगा या बहुत कुछ बड़ा होगा तो देखते हैं भाई क्या होता है थैंक यू सो मच यार आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था और uh, कोशिश करेंगे कि अलग अलग सिटीज़ में मीटअप करें जैसे जैसे पॉसिबल होगा और थैंक यू सो मच यार जो लोग भी मिल रहे थे अगेन इट मीन्स अ लॉट और डेफिनेटली यार इसी तरीके से जो है अपन इंट्रैक्शन जारी रखेंगे अपनी कम्युनिटी में ठीक है यार आप मुझे बताएं आपको क्या लगता है और पेटर चेक की अगर मैं बात करूं तो भाई चेल्सी लेजेंड है अच्छा काम किया पिछले तीन साल में एक चैम्पियंस लीग भी जीत ली हमने इस बीच में पेटर चेक के साथ तो अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं लेकिन ठीक है अब हमको मूव ऑन करना पड़ेगा और हमको थोड़ा सा भरोसा जो है वो नई रिज्यम में देना पड़ेगा सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक अबाउट बोथ द मूव्स गेवरियल हेसूस टू आर्सनल एंड पेटर चेक लीविंग चेल्सी कमेंट्स में डाल देना डिस्कशन करते हैं और क्या लगता है कौन कौन से ट्रांसफर्स पॉसिबल लग रहे हैं आपको जो चेल्सी कैन पुल ऑफ दिस समर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जब तक अपना ध्यान रखें टेक केयर एंड पी